एवरीवन, और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट और लंच। यह मॉर्निंग का टाइम और यहाँ बन रही है हमारी चाय, और मैं चाय में इस्तेमाल करती हूँ गुड़ वाली चीनी। आज ब्रेकफास्ट के लिए मैं बना रही हूँ सेवैयों का उपमा, और ये आटे से बनी हुई है। तो इन्हें मैं सबसे पहले ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। एक पैन में तेल गरम करें और उसमें मिलाएं राई, अब मिलाएंगे जीरा, मिलाएं धुली हुई उड़द की दाल, अब मिलाएं बारीक कटी हरी मिर्च और कड़ी पत्ता, इसमें मिलाएं बारीक कटा हुआ प्याज, आधा चम्मच हल्दी। बस अच्छी तरह से पकने के बाद इसमें मिलाएं सेवई, सेवैयों को अच्छी तरह से मिलाएं, इसमें मिलाएं गरम पानी, स्वाद अनुसार नमक, इसे ढककर अच्छी तरह से पकाएं। अब मैं इसका ढक्कन हटा रही हूँ और अब आप देख सकते हैं सेवैयाँ अच्छी तरह से पक चुकी हैं, उसमें पानी भी नहीं है। हम इसमें मिलाएंगे कटा हुआ हरा धनिया, इसमें मिला रही हूँ एक चम्मच घी जो ऑप्शनल है। इन्हें मैंने सर्व किया है नींबू के साथ। आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करके देखें। तो यहाँ मैं शेयर करूँ आपसे ये शैम्पू जो मैं उस दिन खरीद कर लाई हूँ। तो ये वॉलनट बार्क का बना हुआ शैम्पू है और ये काफ़ी माइल्ड है, इसकी खुशबू भी काफ़ी माइल्ड लगी मुझे। और ये आपके बालों में अच्छा वॉल्यूम ऐड करता है, बाल बिल्कुल खुले खुले से लगते हैं। ये आता है लगभग 99 रुपीज़ का। मैं लंच के लिए बना रही हूँ दाल, जिसके लिए मैंने अरहर की दाल को उबाल लिया है हल्दी मिलाकर। इसमें मैंने मिलाया है नमक, आप स्वाद अनुसार नमक मिलाएं, और इसमें मिलाएं पानी। आपको जितनी दाल गाढ़ी चाहिए पतली चाहिए आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करें। दाल को तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ ले रखा है एक चम्मच तेल। तेल गर्म होते ही इसमें मिलाए आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई। अब इसमें मिलाएंगे 6 से 7 लहसुन की कलियां, इसे ढककर पकाएं। और अब इसमें मिलाएंगे कटी हुई हरी मिर्च और कड़ी पत्ते, और अब इसका ढक्कन निकालकर इसमें मिलाएं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तड़का हमारा तैयार है। इस तड़के में हम मिलाएंगे दाल, और अब इस दाल को एक उबाल आने तक ढककर पकाएं। अब आप देख सकते हैं दाल में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है, इसका मतलब दाल हमारी तैयार है। यहाँ मैं बना रही हूँ सोयाबीन का कीमा, जिसके लिए मैंने बारीक ग्रैन्यूल्स ले रखे हैं सोयाबीन के। इसे मैंने गर्म पानी और नमक के साथ उबाल के इसे छान लिया है। सोयाबीन कीमा बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 चम्मच तेल गर्म कर लिया है, और इसमें मिलाया है आधा चम्मच ज़ीरा, और अब मैं इसमें मिलाऊँगी 3 से 4 बारीक कटी हरी मिर्च। हरी मिर्च जब अच्छी तरह से पक जाए इसमें मिलाए 7 से 8 दरदरी कूटी हुई लहसुन की कलियाँ। यहाँ मैंने अदरक का इस्तेमाल नहीं किया, आप चाहे तो इसमें मिला सकते हैं। इसमें मिलाए एक बारीक कटा हुआ प्याज और इसे अच्छी तरह से भूने। इसमें मिलाए नमक, प्याज अच्छी तरह से भूनने पर इसमें मिलाए हल्दी, चम्मच मिर्च पाउडर। हल्दी और मिर्च पाउडर के साथ प्याज को अच्छी तरह से भूने। इसमें मिलाए धनिया पाउडर, 1 चम्मच गर्म मसाला पाउडर, और अब इन मसालों में मिलाए 2 बारीक कटे हुए टमाटर। अब देख सकते हैं टमाटर हमारे अच्छी तरह से पक रहे हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा पानी ताकि टमाटर अच्छी तरह से पक कर गल जाए और मसालों के साथ एक थिक ग्रेवी बन जाए। पानी मिलाने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक कर पकाएंगे। इसका ढक्कन हटा रही हूँ, आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है। अब हम इसमें मिलाएंगे सोयाबीन का चूरा, और अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे।
से हम दोबारा ढककर पकाएंगे। इसका ढक्कन हटा दें और अब आप देख सकते हैं हमारा सोयाबीन का कीमा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें कोई अभी पानी नहीं है, इसमें एक हल्की सी नमी बची है। इसमें मिला है कटा हुआ हरा धनिया और इसे सर्व करें। सोयाबीन का कीमा मैं सर्व करूंगी चावल, दाल और इन पराठों के साथ। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिए। मैं बना रही हूँ यहाँ ट्रायंगल पराठा, जिन्हें मैं घी के साथ सेक रही हूँ और ये बड़े ही सॉफ्ट बने हैं। गर्मा गर्म पराठे मेरे सोयाबीन के कीमे के साथ खाने के लिए बिल्कुल तैयार है और आप भी इन चीज़ों को ज़रूर ट्राई करके देखिए। झटपट बनने वाली चीज़ें हैं जो 30 मिनट में आपका खाना बना देगी। मेरे आज के दिन का मेन्यू तैयार है। मैंने अपनी दाल जो है उसे भी सर्व कर रखा है और साथ ही साथ मैंने सर्व किया है सोयाबीन का कीमा। आप भी इस झटपट बनने वाली चीज़ों को ज़रूर ट्राई करके देखिए। और अगर आपको ये रेसिपीज पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।